बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट सेविंग पे लास्ट वीडियो नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में थी, जिसमें डिफरेंट कोई 10 डिफरेंट स्किल्स के बारे में बताया था कि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्किल्स होंगी उतना ही बेहतर आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, और जितनी बेहतर नेगोशिएशन होगी उतनी बेहतर कॉस्ट सेविंग होगी। तो कॉस्ट सेविंग के लिए नेगोशिएशन स्किल्स का होना और स्ट्रॉन्ग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब वो जो 10 स्किल्स मैंने बताई थी उसको आप कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब उस स्किल्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, मतलब आपने आपको पता चल गया कि ये स्किल्स होनी चाहिए, तो मसला ये कि इसको आप रोज़मर्रा जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, जब आपके पास वेंडर आ रहे होते हैं, आप बैठे हैं सीट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप जितनी भी स्किल्स वर्केबल हैं, आप समझते हैं कि 10 की 10 लिख लें या उसमें से कुछ एक दो छोड़नी है तो कम करके, या जितनी भी आप उनको जिस तरह से कोई बच्चे बूटी लगाते हैं यानी पेपर के लिए कुछ हिंट लिखते हैं, तो आप उन 10 स्किल्स के हेडिंग नोट कर लें, मतलब एक छोटी सी चिट बनाएं और उसके ऊपर लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 to 10 नंबरिंग करें और उनके आगे उनकी स्किल्स की जो हेडिंग है वो लिख लें, और उस वीडियो को दोबारा से देख लें कि उन हेडिंग के अगेंस्ट क्या मैंने बोला हुआ। तो अब जब वो हेडिंग्स आपको पता है तो आप अल्टीमेटली वो जो उसमें बताया गया उसको एक आध दफ़ा सुनने के बाद आपको वैसे ही वो असबर हो जाएगा। तो अब वो सारी स्केल्स छोटी चिट जो आपने लिखी है उसको टेबल की साइड पे या दराज के अंदर रख लें या साइड पे कहीं लगा लें जहाँ पर आपकी नज़र पड़े और जो आपके विजिटर हैं उनकी नज़र ना पड़े। तो मैं तो कुछ ऐसी जो जिनको मैं इम्प्लीमेंट करता था अपनी जॉब के दौरान चीज़ों को, तो मैं अपना दराज खोल लेता था थोड़ा, तो नीचे उसमें दराज के अंदर रखता था पेपर, और जब भी कोई वेंडर आता था तो मैं दराज को थोड़ा सा आगे करता था और ऐसे एक नज़र डालता था। वो समझता था वेंडर के शायद ये मोबाइल को चेक कर रहा है या कुछ और इस तरह से, तो मैं एक नज़र उस पर डालता था और वो चीज़ें उससे बोलना शुरू कर देता था। मतलब वो हिंट जो मैंने लिखे होते थे या वो चीज़ें जो मैं अपनी जॉब के दरमियान सीख रहा था, लर्न कर रहा था और उनको इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो वो मैं ऐसे करता था। मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करता रहता था और उन टॉपिक्स को मैं फिर प्रैक्टिकली जब वेंडर आते थे तो उनसे, चूँकि मैं डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपनी जो जॉब है उसको तो मैं परफॉर्म कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उसमें कुछ इनोवेटिव चीज़ें दूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरे लोग नहीं दे रहे थे या पहले नहीं दे रहे थे, या कम से कम मैं अपनी लर्निंग के लिए उनको इम्प्लीमेंट कर दूँ ताकि मेरी लर्निंग बढ़े या मैं आगे किसी और इससे अच्छी जॉब पर जाऊँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर नॉलेज हो। तो ऐसे मैं जो डिफरेंट चीज़ें स्टडी करता था मैं उनके हिंट बना के उनको छोटा पेपर लिखता था और उसको दराज के अंदर रख देता था। अब वेंडर आया और मुझे पता कि इसके ऊपर मैंने ये, मतलब मैं टारगेट होता था कि ये जो मैंने स्टडी किया, जैसे वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री के ऊपर मैंने स्टडी किया और मेरे पास टायरों वाला वेंडर आ गया और वो मंथली को 500-600 टायर सप्लाई करता था, तो अब मैंने वो वेंडर मैनेज इन्वेंट्री के मतलब जितने हिंट्स लिखे हुए थे कि जिनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए वेंडर मैनेज इन्वेंट्री के लिए, तो मैं उसे डिस्कस करता था कि यार अगर ये हम आपसे इस तरह से करें कि आप अपनी इन्वेंट्री हमारी वर्कशॉप में मैनेज कर दें और आपके लिए एक स्टोर प्रिपेयर कर दें, आप उसको स्टॉक वहाँ पे मेंटेन रखें और उसके बाद जितना आउट हो स्टॉक उसको चार्ज करते रहें वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए जो वेंडर मैनेज इन्वेंट्री की जो टेक्निक्स थी, जो चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट होती थी, तो उनको मैं एक पेपर पे लिख के दराज में रखता था और ऐसे मैंने देखा उसको और फिर वेंडर से शुरू हो गया। तो सिमिलरली आपने कुछ भी चीज़ें जो भी आप खुद स्टडी करें, किसी नेट पे सोर्स करें, वीडियो देखें, हर वो चीज़ जिसको आप समझते हैं कि यार ये बंदा कुछ अच्छा बोल रहा है या इसको, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का यही तरीका है कि उसको नोट करके दराज में रखें और अगले 2, 4, 10 दिन जितने भी वेंडर आ रहे हैं उनमें से जिनके ऊपर भी वो फिट होता है, वो टॉपिक जिस पे आपने स्टडी की हुई है या जिसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को जितने भी वेंडर जो आ रहे हैं उन पे जिस पे फिट होता है उसके लिए उससे उसको डिस्कस करें, प्रैक्टिस करें। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यार इसको तो मैंने ऑर्डर देना ही है, इसकी तो जो कंपैरिजन है फाइनल हो चुका है, तो इससे तो फजूली टाइम ज़ाया करने वाली बात है, तो फिर भी टाइम ज़ाया कर लें, मतलब उसको ये ना बताएं कि मैंने आपको ऑर्डर देना है, तो उसको ऑर्डर देने से पहले आप उससे एक प्रैक्टिस कर लें, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप
आपको अपना नॉलेज अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे ही दराज को थोड़ा सा खोलें, देखें क्या क्या हिंट्स लिखे हुए हैं, तो अब वो हिंट्स उससे डिस्कस करने शुरू कर दें। और पॉसिबल है जब वो चीज़ें आप उससे डिस्कस करें तो वो जो कोटेशन जो ऑलरेडी आप उसकी फाइनल कर चुके हैं वो उससे थोड़ा नीचे आ जाए और आपको प्राइस भी कम कर दे। नहीं भी करेगा तो कम से कम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक चीज़ गो थ्रू हो गई अपने ड्यूटी के दौरान। इसी तरह इसके बाद कोई आएगा या अगले दिन आएगा तो फिर जिस पे फिट होता है फिर उसको बैठा लें, आओ यार बैठो, तो उससे फिर उससे करें। तो ऐसे दो चार दफ़ा आप किसी भी एक टॉपिक को, वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग का, स्ट्रेटजिक सोर्सिंग का, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री का, वो नेगोशिएशन स्किल के बारे में, वो कोई भी टॉपिक हो जो भी आपकी जॉब के रिलेटेड है, जहाँ पे आप समझेंगे यार मेरा नॉलेज इसमें कम है, तो उस टॉपिक को नोट करें, दराज में रखें और जब भी वेंडर आए जिस पे फिट होता है वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दें। देखें बोलें, देखें बोलें, और दो चार से करेंगे तो आपको वो चीज़ें अजबर हो जाएंगी, आपके एक्सपीरियंस में आ जाएंगी, आपके नॉलेज में। नेक्स्ट जब भी आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे या किसी सीनियर मैनेजमेंट के साथ, बॉस के साथ बैठे हुए डिस्कशन होती है, तो आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ये किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का आसान तरीका है। और जितने भी लोग जॉब कर रहे होते हैं उनके पास बहुत सुनहरी मौका है ये कि वो हर किस्म की चीज़ें अपनी जॉब के दौरान प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब में इन्हांसमेंट लेना चाहते हैं, आपके पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने वेंडर आ रहे हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, बैठा लें उसको, पूछें कहाँ से खरीदते हो, क्या करते हो, कैसे बेचते हो, कितना प्रॉफिट रखते हो, वो फर फर सब बताएगा कि सर ये ऐसे ऐसे होता है। तो 500 वेंडर आ रहा है, आपको 500 डिफरेंट प्रोडक्ट का नॉलेज मिल सकता है। सेल वालों को ये एडवांटेज नहीं होता, सेल वाले इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते जितना के प्रोक्योरमेंट वाले कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये बाद में आपको अपने बिजनेस के लिए भी काम आ सकती है ये इन्फॉर्मेशन सारी, और जॉब में तरक्की के लिए भी काम आ सकती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।